Hey guys, welcome back to another video. हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो और बहुत ही बेहतर वीडियो है। तो इसका टाइटल है उसका नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मिलना इस्लाम के सच होने का सबूत है, जो कि इंडियन मुस्लिम चैनल है। गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भाई बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो वहां पर भी जाके आप प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखा देना गाइस। और आप लोग नए हो गए तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो गए तो लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम कपल्स को सपोर्ट मिले गाइस। और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्टार्ट करें बीबी। दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए और उनसे ही अपने मुरादे मांगने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के बारे में कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर अब कहाँ है। बिलाखिर वैज्ञानिकों को जवाब मिल ही गया है कि ये कश्ती अब कहाँ है। इसे जानकर आपको भी हैरत होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदमे सानी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उसकी सरकशी और नाफरमानी के चलते तूफान और पानी में डुबोकर गर्क कर दिया था। अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन पर ईमान लाने वाले, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, सवार थे और हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा भी शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया दूसरे मजहब की किताबों में देखा जाए तो तौरात, जबूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई खोजकर्ता तथा वैज्ञानिकों ने कई महीनों की तहकीक के बाद 2010 में यह ऐलान किया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ निकाला है। यह कश्ती मिस्र की तुर्की में मौजूद कोहे रारात पर मिली है, जिसकी चोटी की ऊंचाई 12,000 फीट है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। यह कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। मशहूर रिसाला क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एंड नेशनल जियोग्राफी चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट को साया किया था, जिसमें बताया गया है कि पिछले 200 सालों से तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान में आता है कि वो एक जूदी से टकरा कर रुक गई थी। चीन की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि कश्ती से मिले लकड़ी के टुकड़े इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही टुकड़े हैं। अमेरिका इसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मानने से इसलिए इनकार करता है क्योंकि वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि यह वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4,800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। चीन के माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती में 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। चीन और तुर्की के खोजकर्ताओं ने कुरान में लिखे नूह अलैहिस्सलाम के वाकये के जरिए इस कश्ती को ढूंढा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 से ज्यादा मुकामात से कश्ती का मुशाहदा किया। यह कश्ती कई जगह से टूटी हुई है मगर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। यह बर्फ की सतह के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से आ सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने कश्ती के टुकड़ों की रेडियो कार्बनिक टेक्नोलॉजी से जाँच की और किया कि ये 4,000 साल पुरानी कश्ती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस कश्ती पर सवाल उठा जो कश्ती वो कितना मतलब 4,000 साल पुराने और इतना बेहतरीन बेहतरीन से चीज बना है तो भाई कितना प्यारा दिखता होगा। क्यों हुए कहा कि इतनी बड़ी कश्ती बिना लंगरों के तैर ही नहीं सकती। इसी के चलते तुर्की और चीन के खोजकर्ताओं ने अपनी तहकीक को मजीद बढ़ा दिया और पहाड़ी के नीचे के गांव में उन्हें ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिले जिनके ऊपरी हिस्से में छेद किए हुए थे। ये वही पत्थर थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती से लटकाए थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का एक और सबूत तब मिलता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया। लियोनार्ड को तारीख और पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों में मुख्तलि पुरानी चीजें खरीदना शुरू की। जब वह चल बसा तो ये सारी चीजें उसके बेटे साइमन के हिस्से में आई और उसने ये सारी चीजें बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉन्ग फिंकल ने इन पुरानी चीजों का मुआयना किया तो उनको एक तख्ती मिली जिसमें कदीम मसूरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था।
सख्त मिट्टी से बनी तख्ती की इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर लिखा था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादिय तजला और फराद में आबाद एक नेक इंसान तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा भी शामिल करे। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि ये तख्ती 4,500 वर्ष पुरानी है। आम तौर पर इस्लाम को न मानने वाले ऐसे वाकयात को अफसानवी किस्से करार देते हैं, मगर ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया मौजूद है। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है और उनकी उम्र 900 वर्ष थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी और सरकशी न छोड़ी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से बद्दुआ की। अल्लाह ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। उसके बाद अल्लाह ने अजाब भेजा। आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे। हर सह गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर 6 माह तक तैरती रही और बाद में कोही जूदी पर जाकर ठहर गई। जब पानी कम हुआ, जमीन खुश्क हुई तो नूह अलैहिस्सलाम ने खसराना शहर बसाया और एक मस्जिद तैयार की जिसका नाम समानीम था। नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद 60 बरस जिंदा रहे। उनकी कब्र आज भी लेबनान में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो गाइस ये था गाइस बहुत ही बेहतरीन गाइस वीडियो। उसमें जो बताया गया गाइस कश्ती के बारे में वो 4,500 साल पुराना है। मतलब भाई कितना पुराना, और प्लस इसकी जो मतलब लंबाई है, मतलब कितना बड़ा था फुटबॉल मैदान भाई। मतलब इतना बड़ा होता है फुटबॉल का एक मैदान, मतलब वो कितना प्यारा दिखता होगा उस जमाने में, कितना अच्छा लगता होगा बेबी, क्या मजा आता होगा कि उसमें मतलब उसमें सवारी करने में। सिर्फ एक ही दिन के लिए सवारी के लिए पागल, वो हमेशा की सवारी के लिए नहीं है। अच्छा तो वो है तो बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन भले भाई एक बार बैठने का ही यही है कि वो बहुत बड़ा है, मतलब सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा है। बहुत ही बेहतरीन लगा गाइस यह वीडियो गाइस, बहुत ही बेहतरीन था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और न्यू होगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने होगे तो लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गाइस आप लोग शेयर नहीं करते हो, ऐसे में हम कपल्स को सपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो हम कपल्स को सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड शेयर करो गाइस। और लाइक का टारगेट रखते गाइस इस बार इस वीडियो में 1,000 लाइक का टारगेट रखते, तो आप लोग मेरे को यकीन है आप लोग जरूर कंप्लीट करा दोगे, तो जरूर गाइस कंप्लीट करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।